कोविड-19 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ शहनाज अज़ा। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारतीय वैज्ञानिकों और अनुसंधान संस्थानों द्वारा किए गए प्रयासों को रेखांकित करते हुए आज के संक में सबसे पहले बात नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर की, जो कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज करने में सक्षम होगा। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरी NAL बेंगलुरु ने एक नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर बनाया है, जिसका नाम है स्वास्थ्य वायु। इस वेंटिलेटर की खूबी यह है कि इसमें उच्च गुणवत्ता वाले एयर फिल्टर कणों हेपा फिल्टर्स का इस्तेमाल किया गया, जिसकी बदौलत प्रश्वास को निकलने से पहले रोगाणु मुक्त और शुद्ध करने की क्षमता होती है। इससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि वायरस का संक्रमण रोगियों से चिकित्सा कर्मियों या स्वास्थ्य कर्मियों में ना फैल सके। इसके अलावा इस वेंटिलेटर को विभिन्न प्रकार से सुविधाजनक तरीकों से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। स्वाभाविक टाइमर के साथ CPAP मोड, ऑटो बाइफेसिक पॉजिटिव एयरवे प्रेशर या फिर CPAP मोड के द्वारा। इसमें बाहरी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से जोड़ने का भी प्रावधान है। अच्छी बात यह है कि इसके इस्तेमाल के लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। ये वेंटिलेटर रिकॉर्ड 36 दिनों के भीतर तैयार किया गया है, जिसे नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी ने प्रमाणित किया है। CSIR NAL इसे अन्य प्रमाणित संस्थाओं से भी मंजूरी लेने की प्रक्रिया में है और साथ ही इसके व्यापक उत्पादन के लिए उद्योग जगत के साथ वार्ता की जा रही है। और जानकारी के लिए आइए जानते हैं CSIR राष्ट्रीय वांत्रिक प्रयोगशालाओं के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर CM आनंद का क्या कुछ कहना है। This BiPAP system, which is a non-invasive ventilator, so typically it is most important that in the current scenario, it is ideal to treat moderate or mid-range severe COVID patients who do not require intubation and invasive ventilation. Those cases which are pre-ICU scenarios are more applicable, where this system can be used. And also most important, the patients who are either in the hospitals or in the makeshift hospitals or dispensaries or health centers, and why not at home also, this machine can be used with the patients of any symptoms of COVID-19. CSIR NAL has already taken a lot of steps today and in the past also, and similarly to this product also, we have had a lot of talks with major private and public sector companies in the country, and the discussions are quite advanced today, that we are ready to take up the mass production of this Swasth Vayu in the country for various regions in the country, not only in a specific region, various regions in the country. So the mass production plan is already in place, and we are about to start in couple of weeks now. कोरोना के कहर से पूरी दुनिया परेशान है। वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक इस महामारी का इलाज खोजने में लगे हुए हैं। सबके मन में एक ही सवाल तैर रहा है कि आखिर कब तक कोरोना का प्रकोप चलता रहेगा। ऐसे में कोविड-19 की स्थिति का ठीक ठाक आंकलन करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गुवाहाटी और सिंगापुर के ड्यूक NUS मेडिकल स्कूल के शोधकर्ताओं ने डेटा साइंस पर आधारित एक वैकल्पिक मॉडल विकसित किया है। ये तीन अलग अलग मॉडल का संयोजन है। दरअसल विशेषज्ञों के अनुसार किसी एक मॉडल पर आधारित रिपोर्ट गुमराह कर सकती है। इसी आशंका को खत्म करने के लिए किसी एक मॉडल का इस्तेमाल करने की बजाय सभी मॉडल का संयुक्त रूप से विश्लेषण किए जाने पर विचार किया गया। टीम की तरफ से विकसित डेटा साइंस मॉडल में मामलों का आंकलन लॉजिस्टिक तरीके और घातांक तरीके यानी हालात गंभीर होने की स्थिति में आंकलन से किया जाता है। इसके आधार पर राज्यों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है, मध्यम, गंभीर और नियंत्रित। ये मॉडल ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन के वर्गीकरण से अलग है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर पलाश घोष का इसको लेकर क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। वी आर वर्किंग ऑन टू एनालाइज एंड प्रेडिक्ट स्टेट वाइज कोरोना वायरस डेटा फ्रॉम इंडिया, एंड we have fitted different models like logistic, exponential, and then found that if we rely on one particular model, that can mislead us. So based on the daily infection rate, we combined the forecast from the logistic model and the exponential model and provided a combination
or linear combination methodology to get out the total number of infected people state-wise. And when we add them all, the number of people that may infected at the end of May is coming out 1.5 lakh. And in this regard, we particularly want to emphasize on the non-parametric analysis like in based on DIR, that is daily infection rate, which will tell you that if that DIR rate is very high, then there are a lot of people in the community who are roaming around without knowing that they are infected, already infected by the coronavirus, and they potentially can infect many more other people. So these numbers are there for the planning purpose. For example, for Maharashtra, we are saying that the number could hit around 44,000 at the end of May. So depending on that, policymakers can take a call, how many number of beds, what kind of stock of the medicines, all these kind of things can be planned ahead. भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद यानी बायोटेक ने कोविड 19 रिसर्च कंसोर्टियम के तहत उद्योग एवं एकेडमिक व संयुक्त रूप से उद्योग एवं एकेडमिक जगत को समर्थन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। कोविड 19 के नियंत्रण के लिए निदान, टीके विकसित करने, नई दवाओं के उपयोग या अन्य हस्तक्षेप के लिए कई प्रकार के प्रस्ताव सामने आए। इन प्रस्तावों का निरंतर मूल्यांकन किया गया और बहुस्तरीय समीक्षा व्यवस्था के माध्यम से विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति से संबंधित 70 प्रस्तावों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की सिफारिश की गई। चुने गए प्रस्तावों में टीके के 10, रोग निदान उत्पाद के 34, चिकित्सीय विकल्पों के 10, दवाओं के नए उपयोग के 2 प्रस्ताव, निवारक हस्तक्षेप के रूप में और वर्गीकृत 14 परियोजनाएं शामिल हैं। कुल मिलाकर 34 कंपनियों और शैक्षणिक संस्थानों को ये सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी कि निकट भविष्य में स्वदेशी नैदानिक किटों की कोई कमी नहीं हो। आज के संक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड 19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए, हाथों की स्वच्छता के साथ ही मास्क का समुचित उपयोग करते रहिए। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।